बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। मैं हूँ हाफ़िज़ा इकरा रहमान, एक बार फिर से अपने चैनल में आप अपनी प्यारी सी YouTube फैमिली का वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कराची का फेमस चरका रेसिपी। तो यहाँ मेरे पास चरका है, ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से 2 या 2.5 किलो के दरमियान है। तो मैंने इसको ऐसे कटिंग कर लिया है। पहले भी मैंने आपको लाहौरी चरके की रेसिपी दी थी, वो भी बहुत मज़े का बनता है और ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट वेज में बनेगा। डिफरेंट वे में आपको मैं इसकी रेसिपी दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ मेरे पास 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला पाउडर के हैं, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर के हैं, 1.5 से 2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर है, 1 भरकर चम्मच हल्दी पाउडर है, यहाँ 1 चम्मच ब्लैक पेपर है, ये 2 से 2.5 चम्मच जो है साबुत गर्म मसाला पिसा हुआ है, ये फूड कलर है जो रेड कलर हम यूज़ करते हैं, ऑरेंज कलर फूड कलर में जो जर्दा रंग होता है वो है ये। ये हमारे पास सिरका है, आपके पास लेमन जूस है तो आप वो भी ऐड कर लें, मैं सिरके की क्वांटिटी बढ़ा दूंगी। ये मेरे पास एक प्याली योगर्ट की है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 से 2.5 चम्मच, यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट है। अब इन तमाम इन्ग्रीडियंट्स को सबसे पहले हम दही में योगर्ट में मिक्स करेंगे। यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है, सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम योगर्ट को डालेंगे। इसके बाद हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, तिक्का मसाला पाउडर, हल्दी, रेड मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम इसमें साबुत पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे, जर्दा रंग है और ब्लैक पेपर है, ये ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपके पास योगर्ट कम है, इसको बहुत अच्छा सा स्मूथी सा पेस्ट बनाएंगे इसका। तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कराची की फेमस स्टूडेंट बिरयानी होती है, वैसे ही ये कराची का फेमस चरका है। अगर हमारे पास लेमन नहीं है तो हम सिरके की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। मैं यहाँ 4 से 5 टेबल स्पून सिरका ऐड करूंगी। 1, 2, 3, 4 and 5। इससे हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से मैरिनेट भी हो जाएगा और गलने में भी मुफीद साबित होगा। जी व्यूवर्स, ये तो हमारे पास हो गया मैरिनेशन का मटेरियल रेडी। अब हम अपने चरके को कट लगाएंगे सही से। ये आप देख सकते हैं, ये जो शॉपकीपर होता है चिकन का, उसी ने ये कट लगा कर दिए हैं। मैं इससे ज़्यादा कट लगाऊंगी ताकि हमारा बहुत अच्छे से जूसी भी बने और अच्छे से गिलावट भी हो जाए। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़े से और कट लगाएंगे, यूं आप देख सकते हैं। ताकि हमारा बहुत अच्छे से जो है चिकन की गिलावट हो, ऐसे ही हम पूरी जो चिकन है उस पर अच्छे से कट लगाएंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाह, बहुत ये देखें, बहुत अच्छे से मैंने इसको कट लगा दिया है ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब हम इनकी जो लेग्स हैं चिकन की, इसको बांध देंगे। ये देखें, मैंने इसकी लेग्स को यूं करके बांध दिया है, किसी भी आप धागे से इसको थ्रेड से बांध सकते हैं। अब हम इसको बहुत आसानी से आराम से उठाएंगे और मैरिनेशन के लिए प्रिपरेशन जो की है वो करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको बहुत अच्छे से यूं यूं हाथों की मदद से लगाएं, फिर ज़्यादा अच्छे से लगेगा। ये देखें, बिल्कुल असल में कराची का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है माशाल्लाह से। कल भी सारी रात बारिश होती रही है, तो बस इसलिए दिल जो है ना, दिल तो बच्चा है जी, किसी ने सही कहा है तो बस दिल कर रहा था, और गेस्ट भी आए हुए स्पेशल, तो इसलिए मैंने कहा चलो बना लेते हैं। राइस के साथ ऐसे ही बहुत मज़े का लगेगा। अब हमने जो योगर्ट का जो पेस्ट बनाया है उसको एक बार फिर से मिक्स करेंगे और अच्छे से लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फूड कलर आपके पास ऑरेंज हो, जर्दा रंग हो तो लाजमी जो भी हो आपने लगाना है। ये देखें, इस पॉइंट पे हमने इनके जो ये कट लगाए हैं इसमें लाजमी अच्छे से लगाएंगे। ये देखें, अपने हाथों की फिक्र ना करें,
ये तो वॉश होके बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन अगर चिकन की मैरिनेशन में थोड़ी सी भी कसर रह गई तो थोड़ा सा जो है स्पाइस में या टेस्ट में कमी आ जाती है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से लगाएं। काफ़ी देर से चिकन की नाई नाई नहीं हुई थी, आज हमने इसको अच्छे से नाई धोई करा दी है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से लगा दें। अगर तो आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगी तो सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, इसमें मिला के रख दे रही। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसको 3 घंटे तो लाजमी मैरिनेट करें ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही ये जो कराची का चल रहा है इसकी स्पेशलिटी मैं आपसे जब बनाऊंगी तब शेयर करूंगी। ये देखें बहुत अच्छे से जो इसका बहली है उसमें आप राइस भी भर सकते हैं, राइस बना के जब इसको स्टीम लगाएंगे तो आप इसमें राइस रख के उसको राइस बॉईल कर सकते हैं या इस तरह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। देखें मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से लगा दिया, फिर भी थोड़ी सी कसर अगर रह गई है तो हम सही से करेंगे। अब हम इसको जो है इसकी मैरिनेशन हो गई है, अब हम इसको 3 घंटे के लिए रख देंगे, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स यहाँ हमें कराची स्पेशल चरगे की मैरिनेशन को तकरीबन ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, नीचे फ्लेम ऑन करेंगे स्लो, उसमें इसको मैरिनेशन वाले चिकन को उसमें रखेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको हम आराम से इजी करके बिस्मिल्लाह। ये जो हमने सारी मैरिनेशन इसकी रेडी की थी हम इसको इसमें डाल देंगे, अच्छे से बर्तन को साफ करेंगे। देखें बहुत अच्छे से हम इस पे इसको लगा देंगे। अब हम इसी का जो मटेरियल हमने ये रेडी किया था, इसी का जो मसाला है, इसी में इसको कुक करेंगे, फ्लेम स्लो कर देंगे मीडियम टू लो पे। अब इसका हम कुक करना चाहेंगे, अच्छे से ढक्कन लगा दिए हैं, मिलते हैं हम 8 से 10 मिनट के दरमियान। जब 8 से 10 मिनट हो जाएंगे तब हम इंशाल्लाह मिलेंगे। जी व्यूवर्स, यहाँ हम कराची का स्पेशल चरगा बना रहे हैं, चरगा के साथ हम राइस भी बनाएंगे। चरगा हो और राइस ना हो तो उतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने 7 वाले चूल्हे पे फ़ौरन से राइस बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने चॉप किया हुआ एक अनियन लिया है, उसको डालेंगे। इसमें हमारी रही है दो से तीन मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उतारेंगे। जी व्यूअर्स, 9 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे ओपन करेंगे। इसमें अब हम इसका बहुत एहतियात से आराम से चरगे को पलटेंगे ताकि ये बिल्कुल टूटे नहीं। अब देख सकते हैं कि मैंने चरगा पलट लिया है, ये देखें इसको मैंने ढक दिया है, इसके ऊपर मैंने इस तरह ये लगा दिया है ताकि इसकी स्टीम हरगिज निकले नहीं और ये बहुत अच्छे से जो है स्टीम में बन जाए। साथ साथ मैं राइस अपने बना रही हूँ, जब तक ये रेडी हो जाएगा फिर हमारे राइस भी बन जाएंगे। बस आजकल बारिशों का सीज़न है, बारिशों का मौसम है, तो रोज़ाना दिल करता है कुछ चटपटा सा बनाकर खाएं। तो कभी मैं इवनिंग स्नैक्स जो बना लेती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं चरगा बना रही हूँ, कल मैंने मतलब जो कुछ भी घर में बनाती हूँ आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ उसकी। तो अगर आप इसमें एक पॉइंट और बता दूँ, अगर आप इसमें चरगे की मैरिनेशन में एग शामिल करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा और बेस्ट आइडिया है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैरिनेशन में एग शामिल नहीं किया था। लेकिन फूड कलर कभी मत भूलिएगा, उससे बहुत अच्छा सा कलर आता है, तो उसमें खूबसूरती और लुक देखने में बहुत प्यारी लगती है। जी व्यूअर्स, आप यहाँ फ्लेम देख सकते हैं, हमें इतनी ही फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास अगर राइस का है तो हमें 2 गिलास ऐड करने हैं।
जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 2 ग्लास वाटर ऐड कर दिया है। बिल्कुल सिंपली राइस है, इसमें कुछ भी मैंने ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया। जैसे सिंपल अनियन को डार्क ब्राउन करके लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर डाला है, उसको अच्छे से होने दिया है, मतलब सॉफ्ट होने दिया है। उसके बाद मैंने इसमें वाटर ऐड किया है। अब हम इस पॉइंट पे अपना नमक चेक करेंगे। जी व्यूअर्स, 9 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन हटाएंगे। एक बार अच्छे से फिर इसको ऐसे ही पलट देंगे। ये देखें, मैंने बहुत मुश्किल से पलटा था इसको। पूरा को यूं करेंगे, यूं और यूं। हमें इसको टूटने नहीं देना, बहुत अच्छे से हम इसी में, जो मसाला इसके नीचे पड़ा है ये समझो स्टीम का काम दे रहा है, तो हमें इसी मसाले में इसको बहुत अच्छे से जो है रोस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत तरीके से मैंने मसाला लगाया है, और वैसे ही इस मसाला लगा हुआ है। जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता और हमारा चिकन गल नहीं जाता, तब तक हम इसको स्टीम देते रहेंगे। अब फिर हम इसको 8 से 9 मिनट के लिए ढक देंगे। जी व्यूअर्स, अब ये देखें, आप देख सकते हैं स्टीम हो रही है बहुत अच्छे से। अब हम इसको मैक्सिमम 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। अगर और कसर रह गई हुई तो हम इसको साइड इसकी पलट के 15 मिनट और जो है इसको बनाएंगे, पकाएंगे। अब हम इसकी जो है स्लो फ्लेम कर देंगे, पहले मीडियम लो थी, अब बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये स्टीम में अच्छे से बन जाए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे ओपन करेंगे। इसमें देख सकते हैं आप कितनी स्टीम है इसमें। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड को भी 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा चिकन जो है टेस्ट करूंगी कि कितनी कसर रह गई है। ये देखें, बहुत ज्यादा जूसी और यमी बन रहा है माशाल्लाह से। बस हम इसको मजीद 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। इसके बाद हम इसको 10 मिनट की रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है, काफी हद तक ये 70% गल चुका है। अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए यूं बनाएंगे, फिर इसको 10 मिनट की रेस्ट देंगे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं मजीद, बस अब ये काफी हद तक जो है 80% गल चुका है। मैं इसको अलग से प्लेट में निकालूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको अलग से प्लेट में निकाल लिया है। हम इसको 10 मिनट की रेस्ट देंगे, इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, अब इसमें हम ऑयल रखेंगे, डालेंगे। मेरे पास लेफ्ट ओवर जो ऑयल पड़ा है वो भी मैं इसमें डालूंगी। जी व्यूअर्स, अब जब तक ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जो अपना कराची स्पेशल चरगा है वो इसमें ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं ये तुक्के मारती रहती हूँ, आप भी मार लें, आपको पता चलेगा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है नहीं। ये देखें इसका मतलब क्या है। इस पॉइंट पे हमें इसमें अपना कराची फेमस चरगा ऐड करना है। इसको मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है, अब मैं इसको हाथ की मदद से ही इसके अंदर डालूंगी। हम एक साइड को कम से कम 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसकी साइड पलट देंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, वाओ, बहुत ज्यादा माशाल्लाह से ये जूसी बना है। मैं अभी आपको, देखिए मेरे हाथ में नाइफ है, नाइफ को हम इसमें, ये देखें बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखें कितना सॉफ्ट है, अंदर तक जा रही है नाइफ, आप देख सकते हैं। ये देखें सेम मेथड पे आप लोग भी जाएं और जल्दी से फ्राई करें। अब इस साइड को हम 8 से 9 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी डिश आउट करने पर। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी एक साइड जो है वो पलट देंगे। सब भला बजनी है, मेरे को हिला नहीं जा रहा। देखें
ऐसी महसूस करती हूँ कि जब वो अच्छा काम करता है तो उसे कहती हूँ कि ये गुड जॉब। जी व्यूवर्स, हमारा कराची स्पेशल चरगा रेडी हो चुका है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची का स्पेशल चरगा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। जैसे मैंने आपको लाहौरी चरगे की रेसिपी दी थी वो भी बहुत डिलीशियस और यमी बना था, लेकिन ये कराची का जो स्पेशल चरगा है ये तो सबका बाप है बाप। इतना मज़े का बना है और इतना जूसी है, ये देखें मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊँ, ये देखें इतना जूसी और यमी बना है। और साथ में इसके हमारे पास है राइस। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।